नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। सियासत की आग में जल रहा यूपी। जी हां, लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद पूरा यूपी इस वक्त राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। विपक्षी नेता लखीमपुर जाकर किसानों से मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन सख्त है। रोके जाने पर अखिलेश यादव लखनऊ में सड़क पर ही धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया। वहीं शिवपाल सिंह यादव के घर के बाहर भी पुलिस बल तैनात है। और बताया ये भी जा रहा है कि किसानों के समर्थन में पंजाब से भी भारी भीड़ लखीमपुर खीरी पहुंच रही है। इससे पहले प्रियंका गांधी को भी सीतापुर में हिरासत में लिया गया था। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में रविवार को किसान प्रदर्शन के दौरान हुए हादसे और उसके बाद हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा उन किसानों पर कार उन्होंने चढ़ा दी थी। प्रदेश में हंगामे के बीच लखीमपुर खीरी में पुलिस प्रशासन और मृतक किसानों के बीच बातचीत जारी है। वहीं आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह मृतक किसानों के परिवारों से बात कर रही है। वहीं मीटिंग में किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे और ऐसे में घटनास्थल पर किसान शवों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूपी में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सियासत काफी जोरों पर हो गई है। अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाने के लिए अपने घर से निकले थे, जहां पर उन्हें रोका गया उनके घर के बाहर, जिसके बाद वो धरना प्रदर्शन देने के लिए वहीं सड़क पर बैठ गए। वहीं दूसरी तस्वीर शिवपाल सिंह यादव के घर के बाहर है, जहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था ताकि वो भी लखीमपुर खीरी ना जा सके। साथ ही प्रियंका गांधी को भी सीतापुर में रोका गया, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वहीं लखनऊ में थाने में पुलिस की जीप को आग के हवाले कर दिया गया था, ये 4th तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं। वहीं चलिए अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बता देते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में हुआ क्या क्या है। लखीमपुर खीरी में किसानों के परिवारों संग बातचीत अभी भी जारी है। प्रशासन और किसानों के परिवार में बातचीत चल रही है। साथ ही आपको बता दें कि भारी हंगामे के बीच हिरासत में अखिलेश यादव को ले लिया गया है। जी हां, अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाने वाले थे, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र भी लिखा है, साथ ही उसमें मांग भी की है। वहीं आपको बता दें, अंबाला में भी किसानों का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर देश भर में किसान गुस्सा में है। ऐसे में शिवपाल यादव को भी हिरासत में ले लिया गया है। तमाम बड़े नेता ऐसे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। वहीं सड़क पर अखिलेश के समर्थक लेट गए। दरअसल उन्हें लखीमपुर खीरी जाने से मना कर दिया गया था, जिसके बाद यह हंगामा हो रहा है। वहीं अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया गया है, वो इसलिए क्योंकि वो भी धरना प्रदर्शन देने के लिए बैठ गए थे। साथ ही आपको बता दें, नोएडा में भी DND पर भारी जाम की स्थिति है, वो इसलिए क्योंकि सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। वहीं लखनऊ में थाने के सामने एक पुलिस की गाड़ी भी फूंकी गई। तो लखीमपुर खीरी की ये पूरी घटना है, लेकिन इसका असर पूरे देश में देखा जा रहा है। साथ ही जयंत चौधरी ने बैरिगेड तोड़ा और लखीमपुर खीरी के लिए वो रवाना हो गए। तमाम बड़े नेता वहां पर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, वरुण गांधी ने भी सीएम योगी को पत्र लिखा है। तो ये वो तमाम बड़ी बातें हैं जो अब तक इस पूरी घटना में हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि इस समय पूरे देश में किसानों में गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है, साथ ही इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि तमाम विपक्षी दल जो हैं वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि सभी अब लखीमपुर खीरी नेता जो हैं वो लखीमपुर खीरी पहुंचना चाह रहे हैं, वो इसलिए ताकि वो परिवारों से किसानों से मुलाकात कर सके। वहीं आपको ये भी बता दें, इस पूरी घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा कि घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, हम तह तक जाएंगे और हिंसा में शामिल सभी को बेनकाब करेंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आपको बता दें, लखीमपुर खीरी इस हिंसा पर योगी सरकार ने बड़ी बैठक भी की और ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बैठक में घटना की पूरी जानकारी दी है। तो आपको बता रहे हैं, ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सियासत कितनी जोरों पर है वो इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, क्योंकि तमाम विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में
अखिलेश यादव आज लखीमपुर खीरी सुबह निकलने वाले थे, लेकिन उससे उनके निकलने से पहले ही उनके घर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया था, पीएससी लगा दी गई थी। और ऐसे में अब जो है भारी सुरक्षा को देखते हुए अखिलेश यादव को वहीं पर रोक लिया गया था, जिसके बाद वो धरने पर भी बैठ गए थे सड़क पर ही। साथ ही इस पूरी घटना को लेकर पूरे देश में किसानों में भी आक्रोश है, अंबाला में भी किसानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं सीतापुर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और देश भर के किसानों में गुस्सा इस समय देखने के लिए मिल रहा है। आपको ये भी बता दें, दरअसल ये पूरी घटना कल की है और कल जिस तरह से इस पूरी घटना को लेकर बवाल आज देखने के लिए मिल रहा है, उसको देखते हुए कानून व्यवस्था भी खराब होती नजर आ रही है यूपी में। दरअसल कल आपको बता दें, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का लखीमपुर में कार्यक्रम था और साथ ही कार्यक्रम में वहां के केंद्रीय राज्य मंत्री भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे और ऐसे में उनके विरोध करने के लिए किसान रास्ते में पहले से ही काले झंडे दिखाने के लिए तैयार खड़े थे। हालांकि आरोप ये है कि उनके बेटे की गाड़ी से किसानों को रौंदा गया है। इस पूरी घटना में अब तक 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उसके बाद से ही आक्रोश किसानों में देखा जा सकता है। ये तस्वीरें कल की आपको हम दिखा रहे हैं, जो पूरी घटना के बाद जब किसानों को रौंदा गया तो उसके बाद वहां पर भीड़ बेकाबू हो गई और गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही वहां पर भारी हंगामा देखने को मिला। वहीं लखीमपुर में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, धारा 144 लागू कर दी गई है और पूरे जिले में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है, जबकि आज स्कूल कॉलेज पूरी तरह से पूरे लखीमपुर खीरी में बंद कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। वहां से विरोध करके अपने जो किसान थे वे वापसी लौट रहे थे, लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहाँ से लखीमपुर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहाँ से लखीमपुर जा रहे हैं, रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुँचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहाँ से अपडेट आपको करते रहेंगे। तो आपको बता दें लखीमपुर खीरी की ये पूरी घटना है। दरअसल आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने उन किसानों पर कार चढ़ा दी और ऐसे में प्रदेश में हंगामे के बीच लखीमपुर खीरी में पुलिस प्रशासन और मृतक किसानों के बीच बातचीत अब भी जारी है। आपको बता दें कि कल केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर खीरी पहुंचे थे अपने कार्यक्रम में और ऐसे में उनके साथ वहां के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा मौजूद थे, उनके बेटे आशीष मिश्रा भी मौजूद थे। आरोप उनके बेटे पर ही है कि उन्होंने भीड़ को देखते हुए किसान विरोध प्रदर्शन उनका कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे उनके काफिले को और इसी दौरान वहां पर किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी और इस पूरी घटना में 4 किसानों की जान चली गई। आपको बता दें पूरे मामले में अब तक पूरी घटना में 8 लोगों की जान गई है, जबकि 4 किसान हैं, 2 बीजेपी कार्यकर्ता, 1 स्थानीय पत्रकार भी है जिसकी जान गई है और 1 अजय मिश्रा के ड्राइवर हैं जिसकी इस पूरे मामले में जान जा चुकी है। तो 8 को लोग हैं जिनकी इस पूरी घटना को लेकर जान जा चुकी है। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि राकेश टिकैत भी आज सुबह वहां पर पहुंच चुके हैं और साफ तौर पर राकेश टिकैत ने भी कह दिया है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम इन किसानों का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। हालांकि बेहद तनावपूर्ण माहौल जो है वो बना हुआ है, स्थिति काफी तनावपूर्ण है, चाहे वो लखीमपुर खीरी में हो या फिर लखनऊ में हो या फिर किसी और जिले में हो, क्योंकि लखनऊ में भी स्थिति खराब इसलिए है, लगातार वहां पर नेताओं के घर को के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तमाम नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है और कुछ नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया हुआ है, जबकि शिवपाल सिंह यादव को भी हिरासत में लिया हुआ है। प्रियंका गांधी को कल रात वो जा रही थी, उस दौरान उनको हिरासत में लिया गया था। साथ ही लखनऊ में अभी हालत इसलिए खराब है वो क्योंकि तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस थाने में एक पुलिस की जीप भी आग के हवाले कर दी गई थी। साथ ही
तमाम किसान जो हैं अलग अलग कोनों से लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए लखीमपुर खीरी जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। हालांकि लखीमपुर खीरी भी पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि लखीमपुर खीरी के अंदर और उसके बाहर से किसी को ना तो एंट्री मिल सके और ना ही लखीमपुर खीरी से कोई बाहर जा सके। साथ ही अगर आपको दिल्ली नोएडा की स्थिति के बारे में बातचीत करूँ तो दिल्ली नोएडा में DND पर भी काफी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और वहां भी लंबा जाम लगा हुआ है। साथ ही सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, इन तमाम बॉर्डर्स पर भी सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि इस पूरी घटना को लेकर किसानों में काफी आक्रोश है, किसानों में काफी गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर हर कोई यही कह रहा है कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि हम इस पूरे मामले को गंभीरता से लेंगे और इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं होगा जाएगा। लेकिन लगातार हालात अभी खराब बने हुए हैं। चलिए, जिस तरह से देखा जाए इस पूरी घटना को लेकर देश भर के लोगों में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है। इसीलिए ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा अपडेट के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और मेरठ से हमारे संवाददाता मनोवर चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूबी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, जिस तरह से देखिए लखनऊ में अभी हालात खराब होते जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि पहले अखिलेश यादव के घर के बाहर जो है सुरक्षा बढ़ाई गई थी, वहां पर वो धरने पर बैठ गए थे, पुलिस थाने में गाड़ी आग के हवाले कर दी गई थी। अभी लखनऊ में हालत कैसी है? रूबी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रूबी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे संवाददाता मेरठ से मनोवर चौहान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोवर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मनोवर, देखिए जिस तरह से देखा जाए देश भर में लोग आक्रोशित हैं, किसानों में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है, मेरठ में क्या स्थिति है? क्या मेरठ में भी किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, बता दूं जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये लखीमपुर खीरी की घटना ने पूरे देश में इस वक्त हल्ला मचाया हुआ है। मेरठ और आसपास की खासतौर से बात की जाए तो चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है सहारनपुर से लेकर के इधर बुलंदशहर तक, यहाँ पर किसानों का बड़े तादाद में यहाँ पर आवास होता है, निवास होता है और बड़ी तादाद में खेती होती है। ऐसे में किसानों का एक गढ़ माना जाता है। मुजफ्फरनगर से ही राकेश टिकैत आते हैं तो जाहिर तौर पर यहाँ भी इस बात का विरोध होना लाजमी है। सुबह से ही मेरठ के कमिश्नरी ऑफिस के सामने तमाम जो विभिन्न विभिन्न संगठन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे इलाके को पुलिस प्रशासन ने छावनी में तब्दील किया हुआ है, किसी प्रकार की कोई बात ना हो। भारतीय किसान यूनियन से लेकर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और जो तमाम छोटे संगठन है, छोटे दल है, किसानों से जुड़े दल है, वो आंदोलित है, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना को लेकर सभी में आक्रोश है, गुस्सा है। ऐसे में सभी लोगों का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस घटना का संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने इतना दुर्साहस किया है। हालांकि अभी तक जो वर्तमान की स्थिति है, तमाम लोग मौजूद हैं, कमिश्नरी पर हल्ला बोल है और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है, डटा हुआ है कि कहीं किसी प्रकार की कोई बात ना हो। प्रशासनिक अधिकारी मान मनोबल में जुटे हुए हैं,
समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग शांत रहिए, जो मामला हुआ है उसमें कार्रवाई की जाएगी। जी जी बिल्कुल मनोवर। और अगर मुजफ्फरनगर शामली की तरफ की बात कर ली जाए, सहारनपुर की तरफ की बात कर ली जाए, तो वहां भी किसान जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद सवित मलिक सड़क पर लेटे हुए हैं, धरना दे रहे हैं कल रात से ही, क्योंकि इस पूरी घटना को लेकर किसानों में तो आक्रोश है ही, आम जनता में भी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं अगर सीतापुर की बात कर ली जाए, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए, लखीमपुर खीरी में तो स्थिति खराब ही है, पूरे देश में इस समय स्थिति काफी खराब होती नजर आ रही है। देखिए आप ये समझिए, जिस तरीके से किसान आंदोलित हैं और किसान लगातार जो कृषि कानून है उनको विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, उनको उनको खत्म करने की बात कर रहे हैं, उसी से संबंधित एक घटना हुई है जहां पूरब से आग उठी है और पश्चिम तक और तमाम जो इलाके हैं वह फैल चुकी है। सहारनपुर की बात कर ली जाए, मुजफ्फरनगर की बात कर ली जाए, शामली की बात कर ली जाए, या फिर पूरब में कहीं भी बात कर ली जाए, तमाम जो लोग हैं वो आंदोलित हैं। जिस तरीके की घटना है, दुस्साहस है, ये निंदनीय है। हालांकि इसमें तमाम लोग कह रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी हों, शासनिक लोग हों, कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिसका लाल चला गया है अब उसको कौन दिलासा दे, कौन समझाए। ऐसा नहीं है कि पहली घटना है, किसान आंदोलन के चलते ऐसी कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन वो मौतें इसलिए किसी के सामने नहीं आई क्योंकि वो लोग प्रदर्शन के दौरान उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन ये दुर्घटना है। और ऐसे में इस घटना ने अब पूरी तरह से तूल पकड़ लिया है, जो लोग हैं आंदोलित हो चुके हैं, आगजनी की कोशिश की जा रही है, आगजनी की भी गई है। हालांकि अब प्रदेश भर में जिस तरीके से हल्ला बोल मचा है, सबसे बड़ा प्रशासन और शासन के सामने ये सामने रहेगा कि किस तरीके से इन लोगों को समझाया जाए। सबसे बड़ा टास्क यही है कि आज का दिन किसी तरीके से शांत कर लिया जाए, आने वाले समय में हो सकता है कि लोग शांत हो जाएं और इस घटना में समय रहते कार्रवाई हो जाए तो लोग जाहिर तौर पर शांत हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है, राकेश टिकैत खुद पूछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जैन चौधरी की बात कर ली जाए, दूसरे नंबर की पार्टी है जो किसानों की बात करती है, वो खुद कूच कर रहे हैं, कई बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकल गए हैं, प्रियंका गांधी भी लगी हुई है, अखिलेश यादव गिरफ्तार हो चुके हैं। तो तमाम विपक्ष है, जिसको कमजोर माना जाता था, आज वो विपक्ष लामबंद है और इकट्ठा हो चुका है, एकजुट हो चुका है, और शायद इतने बड़े स्तर पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि देखना ये भी होगा कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जी बिल्कुल मनोवा, विपक्ष तो एकजुट हो ही रहा है, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं इस पूरी घटना से बहुत नुकसान हो सकता है। वो इसलिए देखिए, एक तो किसान पहले से ही नाराज है, बीते 10 महीने से किसानों का प्रदर्शन है, ऐसे में अब और 4 किसानों की जान जाना, और बेहद ही नजदीक विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है। देखिये, मैं वही आ रहा था, जिस तरह के पूरे मामला हो रहे हैं इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि किसान लामबंद है और अब ऐसी घटना हुई है जिससे आम लोग भी लामबंद हो रहे हैं, आम लोग भी इस बात की निंदा कर रहे हैं। अब जो तमाम विपक्ष है, पहले कहा जाता था विपक्ष कमजोर है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ही विपक्ष को वो संजीवनी या वो ताकत दे दी है, जिससे वो अब इकट्ठा हो चुके हैं और वो लामबंद हो चुके हैं, विरोध प्रदर्शन करने को आमादा हो चुके हैं। लेकिन इसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा ये आने वाले चुनाव में मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि किसान जिस तरीके से नाराज हुए हैं, खासतौर से जाट बेल्ट अगर कही जाए, क्योंकि जाट बेल्ट किसान ही करती है और ये नाराज हुई है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और ऐसे में कह सकते हैं आग में घी डालने का काम इस बार ये कर दिया गया है। जिन जिन किसानों की मृत्यु हुई है, जिनके परिवार उजड़ गए हैं, वो तो लामबंद है ही, लेकिन जो आम तमाम किसान थे जो अपने घर पर रहकर इसका विरोध कर रहे थे, यानी निंदा कर रहे थे, अब वो भी सड़कों पर आने को मजबूर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है, तय है। देखना यह भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी इससे उभरने के लिए किस तरीके से आगे रणनीति बनाती है, क्या इन दोषी पुलिसकर्मियों या जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और किस तरीके की कार्रवाई होती है। अब सभी की निगाहें इस पर रुकी हुई है, टिकी हुई है। जी बिल्कुल मनोवर। और अगर देखिए लखीमपुर खीरी की बात कर ली जाए, तो वहां स्थिति अभी कैसी बनी हुई है, क्योंकि देखिए भले ही वहां पर धारा 144 लागू है, पूरी तरह से इंटरनेट सेवाएं बंद है, स्कूल बंद है, आज के लिए कॉलेजेस बंद है, तो अभी हालात कैसे हैं वहां पर? देखिए, लखीमपुर खीरी को इस वक्त कह सकते हैं कि नजरबंद करने की कोशिश की गई है। स्कूल हो, संस्थान हो, प्रतिष्ठान हो, इंटरनेट हो, तमाम चीजों को बंद कर दिया गया है, जिससे यहाँ की सूचना वहां ना जा सके और वहां की सूचना यहाँ ना आ सके। और यही वजह है कि प्रशासन ये चाहता है कि सूचना आदान प्रदान ना हो, लोग लामबंद ना हो, लेकिन जो बड़े नेता हैं जो लखीमपुर खीरी की तरफ को कूच कर रहे हैं, उनके काफिले को देख करके लोगों को ये एहसास हो चुका है कि घटना बड़ी है और इस घटना पर विपक्ष आंदोलन कर रहा है, आंदोलित है और एकजुट है। जो आम नागरिक है, जो आम किसान है,
वो इस बात को समझ चुके हैं कि मामला गंभीर है और विरोध करने के लिए जितने तमाम जिला मुख्यालय हैं वहां पर पहुंच चुके हैं। खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो मेरठ जोन की बात कर ली जाए, मेरठ कमिश्नर की बात कर ली जाए, सुबह से हल्ला बोल है। उसी प्रकार सहारनपुर का मामला है और जितने भी आसपास के जिला मुख्यालय हैं, चाहे पूरब की बात कर ली जाए, पश्चिम की बात कर ली जाए, जिला मुख्यालयों पर सभी लोग अपने प्रदर्शन करने पहुंच चुके हैं, ज्ञापन देने पहुंच चुके हैं, इस घटना की निंदा कर रहे हैं और सरकार के विपक्ष में खड़े होकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि ये आलोचना कितनी दूर तक जाएगी, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये आने वाले समय में मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि चुनाव में महज 6 महीने माने जा रहे हैं और इन 6 महीनों में भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे और लोग लामबंद हो और लोग विरोध में आ जाएं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही अब जो विपक्ष है, जो अन्य लोग हैं, उनको मुद्दे मिल रहे हैं और वो इस बात को उजागर कर रहे हैं, उठा रहे हैं, चाहे एनकाउंटर के माध्यम से और कॉन्फिडेंस ने पुलिस ने एक गुप्ता जी को मार दिया हो या फिर और इस तरह के मामले हैं। हालांकि तमाम तरीके से विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन किस तरीके से कह सकते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना होगा। घटना को लेकर लोग आक्रोशित हैं तो लखनऊ में यहां पर सियासी बवाल देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर तमाम बड़े नेता वहां से निकलकर लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए एक बार फिर अब सियासत जो है काफी चरम पर है और सियासत की आग में पूरा यूपी इस समय जल रहा है। वो इसलिए क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट हो चुका है, सरकार को घेरने की विपक्ष कोशिश कर रहा है, तो वही सरकार अपने आप को बचाने में जुटी हुई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में लखीमपुर खीरी में जो कल हुआ उसके बाद आज पूरे देश में जो देखने के लिए मिल रहा है वो बेहद ही तनावपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि पूरा सियासत जो हो रही है इस पूरी घटना को लेकर वो देखने के लिए मिल रही है। पूरे यूपी में हालात खराब होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो शामली हो, चाहे वो सीतापुर हो या कोई भी जिला हो, वहाँ पर स्थिति बेहद खराब होती नजर आ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।